पापन है मेरे बिछड़े चमन खुद दिल पर है मेरे प्यारे वसन मेरे बिछड़े चमन खुद दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम तेरी सबसे रंगी तेरी शान तुझ पे दिल कुर्बान आकाश तंदारे बहुत अपील करता है आपको सुना रहा हूँ ज्यादा कुछ अगर ताली मार जाए वही ना सुना ठीक है वो नहीं है छोड़ कर लेकिन आदमी जिन लोग तरह का बाहर देश में रह रहे हैं वहां पे तो याद आती तो कैसे होता है देशभक्ति का उबाल आकाश शरीर में तब कैसे होता है छोड़ कर तेरी जमीन को दूर पहुंचे हैं हम छोड़ कर तेरी जमीन को दूर पहुंचे हैं हम फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम हम जहां पैदा हुए उस जग पे निकले तुझ पे दिल कुर्बान मेरा भावुकता जाती है तो मेरा स्वर अवरुद्ध हो जाता है फिर मैं आपको अपनी भाषण करना होगा ठीक है ओके भारत माता की जय Thank you.
जवानों का, वीरों का, मस्तानों का, इस देश पे आओ, इस देश पे आओ, कहना ये देश है दुनिया का कहना। Yeah.
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये ताके आसमान में दहाड़ दो। मैं कितना नसीबों वाला
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू, तेरे नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। Yeah.
आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाजे से तलवारों पे, ये है अपना राजपुताना नाजे से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी है जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कड़कड़ से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोना था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियावाला बाग ये देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदू के दन दन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो ये बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश के मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बधा है और प्राण में बाला है। जन्मभूमि ये यही हमारी स्वदेश, जन्मभूमि है यही हमारी वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार डॉक्टर चंदन सर ने भावपूर्ण तरीके से गीत प्रस्तुत किया, दो लाइनों के साथ मैं भी उसी में जोड़ता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर माधवी शुक्ला मैडम को आमंत्रित करता हूं। आप आईक्यूएससी प्रभारी हैं, आप इस अवसर पर हम सभी के बीच हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। प्रोफेसर माधवी शुक्ला मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद दीप नारायण जी। आज गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ, 75वां गणतंत्र आज शुरू हो चुका है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्र ध्वज को शत शत नमन। इसके साथ ही आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान भास्कर भी धीरे धीरे, सुबह सुबह मौसम बहुत खराब था, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि पूरे हमारे साथ इस पूरे सेलिब्रेशन में, इस पूरे आयोजन में भगवान भास्कर भी धीरे धीरे आगे आते गए और बहुत ही अच्छी धूप भी निकल आई। आज यहाँ उपस्थित मंच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे सर, महाविद्यालय के वरिष्ठ व वरिष्ठ प्राध्यापक बंधु और प्राध्यापिकाएं, विदुषी प्राध्यापिकाएं और विद्वान प्राध्यापक गण, अन्य कर्मचारी गण और हमारे समक्ष उपस्थित बहुत सारे रंग बिरंगे वस्त्रों में बैठे हुए हमारे प्यारे बच्चों। असल में यह पूरा जो आयोजन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है और 26 वर्ष हो गए मुझे इस आयोजन में लगातार, 25 साल इस बार 26 साल हो जाएंगे लगातार। हर रिपब्लिक डे के आयोजन में, हर गणतंत्र दिवस के आयोजन में, स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में आना और स्टेज पर आते ही एक नए विचार मन में आना। आज मेरे मन में जो विचार आया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य आज के दिन का जो है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को तो पता है, लेकिन वह सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का विषय नहीं है। यह पता होना, एक सर्वमान्य भारतीय होने के नाते, एक जागरूक छात्र और छात्राएं होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि यह 26 जनवरी आया कहाँ से। 26 जनवरी का अपना एक संवैधानिक इतिहास है। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि जो अगला आने वाला 26 जनवरी है उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यह स्वतंत्रता दिवस का आयोजन उस समय नहीं हो सका क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हुआ, लेकिन 47 में स्वतंत्रता हमें पहले मिल गई और हम इस आयोजन को, अपनी इस डेट को हमने सुरक्षित रख लिया। यह तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। थोड़े ही समय में ढेर सारी बातें बतानी है, लेकिन उसमें जो थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। आज का यह दिन 26 जनवरी 2024 यह अपने आप में इतना खास है क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे विद्वान प्राध्यापक बंधु, जिन्होंने अपनी बातें कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया, अगर मैं अलग अलग नाम लूंगी तो शायद वह ठीक नहीं होगा, लेकिन चाहे वो प्रभात कुमार जी हों जिन्होंने देववाणी में अपनी बातें रखी आपके सामने, चाहे वो डॉक्टर शिपालिका राय हों जिन्होंने एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बताने का वो किया, बहुत ही आनंददायक रहा। आपको यह हमारी युवा पीढ़ी को और हम सभी लोग वस्तुतः बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि 17वीं शताब्दी में की गई जो गलती थी, या कह सकते हैं भारत पर किया गया जो सांस्कृतिक हमला था, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाने की जो कोशिश, समाज में लागू करने की कोशिश की है। मेरा अनुरोध यही है, बाकी बहुत सारी बातें हैं संविधान में, आपके अधिकार की, आपके कर्तव्य की, सरकारों के अधिकार की, सरकारों के कर्तव्य की, हमारे संविधान की, सॉरी हमारे न्यायालय की, और न्यायालय की लिमिटेशन, सरकारों की लिमिटेशन में न्यायालय का क्या रोल है, तो ये तभी आप समझ सकते हैं कि आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप लोग आज की परिस्थिति में, आपके माता पिता ने यहाँ भेजा है ताकि आप एक अच्छा नागरिक बन करके निकलें, तो मैं बच्चों से एक अनुरोध करूंगा कि जो नई व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, लागू हो रही हैं, आप अपने आप को पढ़ने पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि
जब आप पढ़ करके निकलेंगे, आप डिग्री लेकर के निकलेंगे तो शायद उतना आपका महत्व नहीं होगा, जितना आपके पास ज्ञान रहेगा तब महत्व होगा, और ज्ञान तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। मैं इस बात का पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वर्तमान समय में सिर्फ परीक्षाएं आपके सामने रहती हैं, पढ़ाई लिखाई मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि शून्य के कगार पर पहुंच गया है। तो आप पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, जब तक आप यहाँ उसको पढ़िए, संविधान को पढ़िए। और एक अनुरोध और बच्चों से मैं करूंगा कि आप टीचर्स के पीछे पढ़िए, क्योंकि सरकारें जो टीचर्स को कहती हैं उनको वो करवाना पड़ता है, लेकिन आप वो सब तब करेंगे, आपका मूल उद्देश्य पढ़ाई है, उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज। तिरंगा 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 लहरे हिंदुस्तान, शुभ बिहान हो गए। तिरंगा लहरे हिंदुस्तान, शुभ बिहान हो गए। अरे लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में। अरे लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में, अरे मिर्जापुर में लहराए, मिर्जापुर में लहराए, लहराए दिल्ली में। तिरंगा तिरंगा लहरे रे तिरंगा, लहरे हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। तिरंगा लहरे हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। अरे भगत सिंह ने लहराया, भगत सिंह ने लहराया, लहराया विश्राम सिंह ने, भगत सिंह ने लहराया, लहराया विश्राम सिंह ने। आज के दिन लहराए भारत में सब मिलके, आज के दिन लहराए भारत में सब मिलके। हर लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में। हर लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में, हर मिर्जापुर में लहराए, लहराए दिल्ली में। तिरंगा 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 लहर हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। तिरंगा लहर हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। देशवा के सीमा पर लहराए है तिरंगा, देशवा के सीमा पर लहराए है तिरंगा। वीर जवान के शान है तिरंगा, वीर जवान के शान है तिरंगा। अरे लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में, लहर लहर लहराए तिरंगा राजकीय कॉलेज में। मिर्जापुर में लहराए, लहराए दिल्ली में। तिरंगा तिरंगा लहर हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। तिरंगा लहर हिंदुस्तान शुभ बिहान हो गए। अरे राजगुरु सुखदेव सबरम, राजगुरु सुखदेव सब फांस चढ़ गईलन, राजगुरु सुखदेव सब फांस चढ़ गए।
खेलन तब जाके हमनी के तिरंगा मिल गेलन तब जाके हमनी के तिरंगा मिल गेलन हर लहर लहर लहराए तिरंगा राज की कॉलेज में लहर लहर लहराए तिरंगा राज की कॉलेज में मिर्जापुर में लहराए लहराए दिल्ली में मिर्जापुर में लहराए लहराए दिल्ली में तिरंगा तिरंगा लहर हिंदुस्तान सुबह बिहान हो गए तिरंगा लहर हिंदुस्तान सुबह बिहान हो गए सुबह बिहान हो गए थैंक यू की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। अभी कुछ दिन पहले ही 22 तारीख को 22 जनवरी को हर किसी ने अपने मन से उत्सव मनाया। उत्सव का नारंगी रंग झंडे से निकल के पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। कोविड के डर जो आते जाते रहे और कुछ वर्षों पहले हम सभी उससे प्रभावित हुए और पूरा विश्व उस प्रभाव से अभी बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन ये शायद हमारे शहीदों हमारे वीरों महात्मा गांधी जी भीमराव अंबेडकर जी इन सब का आशीर्वाद और मिला हुआ बल ही है। इनके विचार ही थे जो राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक रूप में हम सभी को प्राप्त हुए थे, जिससे हम इस महामारी से बहुत ही भली प्रकार से बाहर निकल आए। निकल ही नहीं आए, भारत ने अपने संविधान के द्वारा स्वयं की सुरक्षा करने के साथ ही साथ विश्व में कई देशों की सहायता की, उनको संबल प्रदान किया। ये भारत की अपने आप में ही एक विराट प्रतिमा है, जो वो हमेशा सहृदयी होके उनका भी सहयोग करता है जो बाद में असहयोग के रूप में सामने आते हैं। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था इन सारी चीजों से अर्थशास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ तो गणतंत्र में भी उस रस को ही महसूस करती हूँ कि हम एक अच्छे पथ पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गणतंत्र में जैसा रजनीश जी ने कहा कि एक चारदीवारी प्रदान करता है, एक संबल प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, वह रास्ता प्रदान करता है जिस पर हम आगे बढ़ते हुए एक सशक्त समृद्ध और विकसित भारत की अभिकल्पना को प्राप्त कर सके। आप सभी यहाँ जो हमारे समक्ष बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो तो विद्वान हैं, विद्वानों के आगे बोलने से पहले डर लगता है, तो ये बातें बच्चों के लिए है। आप सभी युवा हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हम निरंतर देखते जा रहे हैं। आज हम यहाँ प्रस्तुतियां देख रहे हैं, दे रहे हैं, और कर्तव्य पथ पर भी निरंतर कई प्रस्तुतियां और झांकियां प्रस्तुत की जा रही होंगी, जो बाद में हम YouTube चैनल के माध्यम से उसके रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे। उन प्रस्तुतियों को देने के लिए बच्चों, वो बच्चे 600 घंटे मेहनत करते हैं, वो सारे प्रतिभागी लगभग 600 घंटे अपने जीवन के अमूल्य घंटे वो देते हैं उसमें, तब जाके वो गणतंत्र के लिए एक सम्मान एक पूजा के रूप में वो उन प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हैं। ये बात आपके समक्ष मैं इसलिए कह रही हूँ कि महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां होती रहती हैं। कुछ बच्चे अभी भी मोबाइल लेके इधर उधर बात कर रहे हैं और फील्ड में टहल रहे हैं, और कुछ इस ठंड में भी हाथों को बांधे हुए सामने बैठे हुए हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं और इन प्रस्तुतियों में कुछ को शामिल किए हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चश्मे से दुनिया को देखते हैं और क्या अपने अंदर आत्मसात करते हैं और कहाँ खुद को पहुंचाते हैं, क्योंकि जब आप ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका महाविद्यालय आपका परिवार और आपका देश भी उन ऊंचाइयों तक आपके साथ जाता है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मैडम।
आपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों और उनकी जो दृष्टि है उस ओर का ध्यान आकर्षण किया। अब अगली प्रस्तुति एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से ही प्राध्यापक साथियों की तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी को, संस्कृत विभाग के प्रभारी। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहि, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहि, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहि, वशोमं आहमयानि गर्भधमा त्वमजाशि गर्भधमा श्री महागणपतये नमः। ॐ संगच्छद्वं संवदद्वं शम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपाशते। अस्मिन् गणतंत्र दिवसस्य पावनावसरे महाविद्यालयस्य परिसरे समुपस्थिताः महाविद्यालयस्य कर्मठ यशस्विनः प्राचार्यः श्रीमन्तः डॉक्टर प्रदीप नारायण डोगरे महाभागा, मंचस्थाः महाविद्यालयस्य सर्वे सम्मानिताः प्राध्यापकाः प्राध्यापिकाश्च, अस्माकं पृष्ठभागे समुपस्थिताः प्राध्यापकाः प्राध्यापिकाश्च कर्मचारिणः, अस्माकं सम्मुखे उपस्थिताः मां सरस्वत्या सुरभारती सुर समाराधकाः प्रियात प्रिय छात्र छात्राः, अस्मिन् परिसरे एके उपस्थिताः अस्मिन् गणतंत्र दिवसस्य समारोहे सम्मिलिताः भागं ग्रहीतुं उपस्थिताः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि अभिनन्दनं करोमि। सर्वप्रथमं तेषां प्रति श्रद्धांजलिं समर्पयामि ये अस्माकं स्वतंत्रता संग्राम सेनानिनः, अस्माकं देशस्य स्वतंत्रतायाः कृते अस्माकं देशस्य स्वाधीनतायाः कृते प्राणस्य बलिं प्रसन्नतया आहुतिं समर्पितवन्तः, तेषां प्रति श्रद्धांजलिं समर्पयामि। अनन्तरं अद्य गणतन्त्रदिवसस्य अवसरः अस्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति यदा आजादी प्राप्तः तदनन्तरम् अस्माकं देशस्य सम्मुखे संविधानस्य संविधान निर्माणस्य प्रश्नः आगतः। इतः पूर्वम् अत्र छात्र छात्राः आगत्य उक्तवन्तः संविधानस्य निर्माणे संविधानस्य पूर्णरूपेण अस्माकं देशस्य कृते यदा आरम्भ तत्सर्वं कथं कथम् अभवत् तत्सर्वम् उक्तं, कियत् समयस्य आवश्यकता आसीत्, के के अस्माकं संविधाने योगदानं प्रदत्तवन्तः, एतत् सर्वं स्वभाषणे छात्र छात्राः उक्तवन्तः, पुनरावृत्तिः न करिष्यामि। किन्तु अद्य मूलप्रश्नः अस्ति, वयं सर्वे प्रतिवर्षं गणतन्त्रदिवसस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य आयोजनं कुर्वन्ति, हर्षोल्लासपूर्वकं कुर्वन्ति, छात्रछात्राः स्वगीतमाध्यमेन भाषणमाध्यमेन नृत्यमाध्यमेन मनसा वचसा कर्मणा यत् किमपि भवति तत् सर्वं स्वोल्लासेन प्रसन्नेन अत्र स्वप्रतिभायाः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। किन्तु गणतन्त्रदिवसस्य अवसरे गणतन्त्रस्य यदि चर्चा न भविष्यति तर्हि सम्यक् न भविष्यति। गणतन्त्र
तात्पर्य अस्ति अस्माकं तंत्र अस्माकं शास्त्र व्यवस्था अस्माकं नीति निर्धारण व्यवस्था यत् किमपि व्यवस्था तत् सर्वं वयं सर्वे मिलित्वा एव गणतंत्रस्य स्थापना कृतवन्तः संविधानरूपे किन्तु संविधाने भवन्तः सर्वे इदानीम् अनन्तरमपि श्रोष्यन्ति संविधाने किं किम् अधिकारः अस्ति के मौलिक अधिकाराः सन्ति के नीति निर्देश तत्त्वानि सन्ति तत्सर्वं श्रोष्यन्ति भवन्तः सर्वे पठन्ति राजनीतिविज्ञाने संविधानस्य विषये कक्षायां भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः पठितवन्तः किन्तु विषयः अस्ति मात्र अधिकारस्य चर्चा भवतु मौलिक अधिकाराः सन्ति समानतायाः अधिकार अधिकारः धार्मिक अधिकारः स्वतन्त्रता अधिकारः किन्तु यत्र अधिकारस्य विषयः आगच्छति तत्र कर्मस्यापि विषयः भवति यदा भवन्तः कर्मं करिष्यन्ति तदा एव अधिकारः प्राप्स्यन्ति यदि कर्मस्य चर्चा न करिष्यन्ति तर्हि अधिकारस्य विषये मात्र चर्चा भविष्यति तर्हि सम्यक् न भविष्यति पक्षपातः भविष्यति वयं सर्वे मात्र अधिकारस्य विषये चर्चा कुर्मः किं किम् अधिकारः अस्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति गीतायां कृष्णेन उक्तं कर्मणेवाधिकारोऽस्ति मा भवेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भूर्मा तेषां गोस्तु कर्म यदि वयं सर्वे कर्म कुर्मः तर्हि अधिकारः फलं तु निश्चयेन मिलिष्यति एव फलं सुष्ठु अपि भविष्यति असुष्ठु अपि सम्यक् अपि भविष्यति भवतः मनोनुकूलमपि भवितुं शक्नोति मनस्य प्रतिकूलमपि भवितुं शक्नोति यथा भवतः कार्यं भवति तदा एव फलमपि भविष्यति अत एव संविधाने यत्किमपि अधिकारः अस्ति तत् सर्वं तु वयं प्राप्स्यामः एव किन्तु कर्तव्यस्य विषये अपि चिन्ता भवेत् सम्बुद्धौ आगच्छति वा न संस्कृतं कठिनं तु नैव रा नैव रा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं राजनीतिविज्ञानविभागाध्यक्षा समादरणीया प्रोफेसर् माधी शुक्ला महोदय उक्तं सर्वं सब् समञ्जार सर्वं बुद्धौ आयाति अस्मिता के प्रति तिरंगे झंडे के नीचे गर्व से विराजमान महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक प्राध्यापिकागण तथा प्यारे साथ छात्राओं आज का कार्यक्रम अभी अभी ठीक तीसरे घंटे में प्रवेश किया है। दो घंटे का ये कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत उत्साहपूर्वक आप लोगों ने इसको मनाया। समय काफी हो चुका है तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि एक ही बात मैं विद्यार्थियों को बोलता हूँ और अपने साथियों को बोलता हूँ और खुद से बोलता हूँ कि हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि ईश्वर ने हमको आज अभी या इस समय किस काम के लिए भेजा है और उस काम को हम कितने अच्छाई के साथ, कितनी तन्मयता के साथ और कितनी तल्लीनता के साथ करते हैं और उसको याद करके रात में जब सोते हैं तो हमें नींद आती है कि नहीं आती है। सोचते समय सोने से पहले सोचना जरूरी है कि जो सुबह हमने सोचा था वो कितना परसेंट पूरा हुआ और अगर नहीं पूरा हुआ तो अगले दिन के कार्य में जोड़ लेना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दिनचर्या आप लोग देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, वो खुद कुछ नहीं बताते हैं लेकिन हम लोग खुद ही देखते हैं कि आदमी अभी तो चुनार बैठा है, 5 मिनट पहले मिर्जापुर था और 3 घंटे बाद फ्रांस से मिल सकता है और फिर शाम को घर आके सुबह 3 बजे अपने घर अपना खुद का योगासन भी कर सकता है। तो समय का मैनेजमेंट, जितना आपके पास समय कम होगा
उतना आपके पास समय ज्यादा होगा, जितना आपके पास काम अधिक होगा उतना आपके पास समय अधिक होगा। इस चीज को आजमा के देखिए, कभी ये सोचिए कि अभी आज हमको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ये सोचते हैं चलो शाम को पढ़ लेंगे, फिर शाम को सोचते हैं चलो खाना खा के पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो खाना खाने के बाद पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं कि चलो आज तो बहुत समय हो गया, अब कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, फिर सोने चले गए तो अब नींद नहीं आ रही है, कोई काम पूरा नहीं हुआ है, देर से नींद आ रही है, सुबह देर से उठ रहे हैं, अगला दिन फिर खराब। तो उस चीज को हम लोग को मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाना है तो हो सकता है कि 9 बजे तक हम लोग ब्रश ही करते रहे, नहाते ही रहे और घर वालों की चार बात सुनते रहे कि अरे अभी तो उठे नहीं, ब्रश नहीं किए, नहाए नहीं। तो आपको जो अपना डिसिप्लिन, अपना टाइम टेबल है वो खुद बनाना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। दूसरे आपके टाइम टेबल के हिसाब से चलें, इसके लिए आपको उनको मजबूर करना चाहिए। अब वो तभी मजबूर होंगे जब उनके किसी भी काम से दूर नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपराम जी। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को सलाम करती हूँ। देश और समाज के नव निर्माण में हम सबसे आगे होंगे, किंतु अभागे हैं भेदभाव की दकियानुसी वृत्ति ने हमें पीछे ढकेल दिया है, जिसको दूर करने के लिए आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विविध पक्षी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी मुद्दों पर हम आगे निकले यह संकल्प लेने के लिए आज एकत्रित हैं और प्रतिवर्ष एकत्रित होते रहते हैं। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मानव समाज के विकास के लिए जब हम बात करते हैं, प्रजातंत्र और समानता का समर्थन हमें अवश्य चाहिए, तथा समाज में जाति, वर्ग, धर्म इत्यादि के आधार पर हो रहे अंतर को समाप्त करने में अग्रतर रहना चाहिए। मानव मानव में समन्वय और सामंजस्य के भाव होने चाहिए। नमन उन्हें मेरा शतबार शतबार नमन। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार। नमन उन्हें मेरा शतबार, नमन उन्हें मेरा शतबार। मैं धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव जी को, जिन्होंने उच्च शिक्षा में हो रहे दिन प्रतिदिन विकासात्मक गतिविधियों को संदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon for regular updates.